गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। हेलो, वॉइस ऑडिबल है मेरी? कैसे? यस सर, यस सर। गुड। सभी लोग सर कैमरा? लास्ट क्लास, सर हाँ बोलिए। अच्छा, लास्ट क्लास मुझे सर लास्ट क्लास मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में नहीं आया था, तो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, सर कैमरा हमें तो आपका टेस्ट का ग्रेड आ गया पर दूसरे टीचर्स के नहीं आए। आ जाएगा धीरे धीरे सबका। ओके सर। और जिन लोगों के 0 नंबर है, इसका मतलब समझ लो कि उन्होंने कॉपी करके लिखा है। जिन लोगों का 0 नंबर है, ठीक है, जिन लोगों का 0 नंबर है, इसका मतलब उन्होंने कॉपी करके लिखा है। सर मेरा 10 है। बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से बता देता हूँ मैं एक बार, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, दैट इज आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिख तो लिया है ना हमने, या बाकी अभी लिखना? सर लिखना भी बाकी है, लास्ट क्लास में सिर्फ डाउट्स क्लियर हुए थे और थोड़ा बहुत आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया था, लिखना बाकी रह गया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस शेल्स। शेल्स ऑफ एन एटम, एटम के बहुत सारी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास में क्या है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 11, 11। तो उसके बाद इलेवन प्रोटॉन भी सर, 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 इलेवन, होंगे। इलेवन ठीक सर। है, अब जो फर्स्ट शेल होती है, के शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? टू टू इलेक्ट्रॉन आ सकते इलेवन सर, टू हैं। एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एट। एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद में 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में भी 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने तक तो अपना काम ही नहीं पड़ेगा, अपना काम तो यहाँ तक में हो जाएगा, इससे ज्यादा की अपने को जरूरत भी नहीं। सर, उसके बाद वाले में कैसे 18 आना चाहिए? आते हैं, फिक्स है ये, उसके बाद वाले में 32, उसके बाद वाले में 32।
A L M M M N O P Q इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन था हमारे पास पे, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 11 में से 2 फिल हो गए, यस और नो? यस सर। एल में कितने आ गए? 8। एल में 8 फिल हो गए। 11 में से कितने बचे? 8 बचे। 8 बचे। 1 सर, मतलब 11 मतलब हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, कितने बचे मेरे पास में? 5 बचे। 9 बचे। 9 में से मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो जाएंगे? एल शेल में। एल शेल में, ठीक है। एम में कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन सर 8 है। ऑक्सीजन का मेटल ए, प्रोटॉन 8, प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 2 सर, 2 2 फिल हो गए। बच्चे कितने एल के लिए? 6 इसमें आ जाएंगे। एम शेल पे जाने के लिए क्या अपने को? नो सर। नो सर। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। आई एम प्रथम सोलंकी। हाँ प्रथम बोलिए सर। 2019 में ना हमें स्कूल में एक क्विज लिया गया था, रेस इन स्पेस। उसमें साइंस इंक्लूडिंग था, मैथ्स इंक्लूडिंग था और इंग्लिश। तो सर उसका भी रिजल्ट आया है ना, तो सर मुझे ऑल ओवर इंडिया में 25th रैंक आया है मेरा। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। और सर साइंस में मेरे 93 आए हैं आउट ऑफ 100। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। प्रथम कैमरा क्यों ऑफ करो, ऑन करो भैया। सब प्रथम के लिए क्लैपिंग कर दो एक बार। कैमरा ऑन करो प्रथम। थैंक यू सर। गुड गुड प्रथम, गुड। चलिए समझ में आया? यस सर। तो अब जैसे कि मेरे को लिखना है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का जेड कितना होता है? 13। प्रोटॉन भी 13, इलेक्ट्रॉन भी 13। के शेल में कितने फिल हो जाएंगे? 2। बचे कितने? 11। एल में 8। 11 में 8। एम में सर? एल एम में 3। हेलो सर। हाँ सर। व्हाट यू सर, आई जॉइन लेट सो सर, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ? आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस कांसेप्ट। ओके सर। ओके, समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब लोग मुझे इसका लिख के भेजे, ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके सर, इसके ऊपर कोई नोट्स नहीं लिखना, जैसे हर टॉपिक पे लिखते हैं? अभी तो सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के भेजो मुझे। ओके सर। नोट्स लिखना है इसका, आज नोट्स लिखेंगे नहीं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स। ओके सर, कैन यू एक्सप्लेन मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हां आई जस्ट एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। ओके ओके सर, थैंक यू। आंसर देते जाओ, रेड एंड करते जाओ। सर मैं भी लेट जॉइन, तो मुझे भी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन समझाओ ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाओ ना, चलो एक बार फिर से समझाता हूँ मैं, उसके बाद ही क्वेश्चन। ओके सर। सर मैंने आंसर लिखा। हाँ नील का आंसर आ गया, करेक्ट करेक्ट आंसर है वैसे नील का। समीर का भी आ गया, समीर का आ गया, करेक्ट आंसर है। चलो मैं फिर से बताता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज रहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल्स, समझ में आया? ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट शेल, मैंने भी आपको आंसर भेज दिया है, इसको फर्स्ट शेल जिसको हम हमारे के शेल बोलते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ए एल एम एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, जिससे आगे अपने काम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास में, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, लेट से मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है किसका ले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन का, किसका लिखना है? 7 कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, ये क्यों पता ही है? ये तो मैं बता सकता, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ ना, ये सारी चीजें। तो LCL, LCL में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 में से? 2 सर, 4 2 L में, सॉरी K में, K में, सॉरी K, K सर, K में 2 आएंगे, K में 2, L में 4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 6 में से? 2 फिल हो गए, बचे 4 बचे, 4 तो L में कितने आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? 2 4, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं? स्टेप वाइज मैनर में कैसे फिल होते हैं? स्टेप वाइज मैनर का मतलब पहले एल शेल कम्प्लीटली फिल होगी, उसके बाद में एल शेल में जाएंगे। ऐसा नहीं कि एल शेल में 1 फिल कर दिया उसके बाद में 5 चले गए, रॉन्ग है ये। पहले एल शेल के के शेल के कम्प्लीटली फिल होंगे, उसके बाद में किस में जाएगा? एल शेल में, एल शेल। So, मैंने चैट में गलती से के सेल की बजाय एल सेल लिख दिया, फिर एम एन कर दिया था। समझ में आया? यस सर। एक जॉइन होने वालों, समझ में आया? मैंने भेजा। चलो भेजो एक क्वेश्चन और दूसरा, लेट जॉइन हो गया। यस सर। सर पहले क्लोरीन का तो करेक्ट आंसर बताइए। क्लोरीन का करेक्ट, हां सर मैंने भेजा है। क्लोरीन का करेक्ट आंसर, क्लोरीन सीएल, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। फर्स्ट शेल में 2, एम शेल में, के शेल में 2, एल में 8 और एम में 7, और एन में 7, ए एल एम में भी 7। कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8 2 10 10 प्लस 7 17। ठीक है, चलो मुझे भेजो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये दो का भेजो मुझे। चलो क्या? बहुत सब जाना, क्या हो गया भैया, किसको डरा रहे हो? प्रथम किसको डरा रहे हो सर? किसी को नहीं सर, वो चार्जिंग नहीं हो रहा था, चार्जिंग ले रहे थे, साथ में किसी छोटे बच्चे की आवाज भी आ रही थी। तो सर मजा छोटा भैया, छोटा भाई क्या कर रहा है? सर वो सेकंड स्टैंडर्ड ब्राइट स्कूल में पढ़ता है। सर मैंने दोनों के आंसर भेजे। हाँ नील करेक्ट है, सृष्टि हाइड्रोजन का रहोगे तुम्हारा। सर दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, जिस जिसने आंसर भेज दिया रेज हैंड कर दो। सृष्टि सर मैंने भी भेज दिया, नहीं नाइट्रोजन नहीं है, जिसका रहूंगा मैं उसी को बोल रहा हूँ। तो मेरा भी सेम नाइट्रोजन का खाली। नब्बिया पूरा आंसर भेजो, नब्बिया ये किस
आपके माइक से तूफान आ रहा है। वैदई कैमरा ऑन, धनराज कैमरा ऑन, योग तीर्थ कैमरा ऑन, ध्रुव कैमरा ऑन। तो मैंने दोनों का भेज दिया। ये डायरी है, ये क्या लिखा? KSLE सर, मेरा दोनों राइट है कि रॉन्ग है? जिसका रॉन्ग है मैं उसको कुछ नहीं, सॉरी राइट है उसको कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है? ओके ओके। योग राठवा ये क्या भेज रहे हो? मैंने पूछा क्या भेज क्या रहे हो योग? हाँ सृष्टि आप सही है। सो मेरा जिसका राइट है उसको मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। चलो बताया जाए। यस सर। यस सर। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जेडी क्या होता है? वन होता है, तो प्रोटोन भी वन, सर वन होता है। वन यस सर। वन का तो सिंपली क्या हो जाएगा? सर के इक्वल वन हो जाएगा, सर वन ही आएगा, आगे जरूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन जेड इक्वल टू सेवन, प्रोटोन सेवन, सेवन इलेक्ट्रॉन सेवन, तो केशियल टू आएगा, एल और एल फाइव, एल फाइव। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू फाइव, टू कोमा फाइव। यस सर। अब आपको कभी बोल दे कि भैया डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है? सबसे पहले एक न्यूक्लियस बना देना है, के शेल बनानी है। के शेल में जैसे टू इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद में एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? फाइव इलेक्ट्रॉन बना देना, फाइव हो गया डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? यही अगर हाइड्रोजन का बनाना हो, यही अगर हाइड्रोजन का बनाना हो तो ये वाली शेल की तो अपने को नीड ही नहीं है, इस वाली शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे अगर यहाँ पे समझ में आया, अगर यहाँ पे टू कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हीलियम। क्या सा? यहाँ पे मैंने टू इलेक्ट्रॉन्स बना दिए है तो किसका? हीलियम का हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस यस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स का। तो सर लिखेंगे कभी क्लास के बाद? क्लास के बाद घर पे आराम से, ठीक है? सर नोट्स भी आपने कहाँ दिखाए? ये लो देख लो। ओके सर। ये डायग्राम सारे बनाने हैं, ये वाला छोटा डायग्राम भी बनाना है सर। लिख लिया? हाँ सर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब एक बार फिर से वापस लो। अब फिर से लो, कब लो? जब यहाँ पे मैं लिख लूँ n इक्वल टू, इसको चेंज कर देता हूँ, n में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? n इक्वल टू वन। k में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब ले स्क्रीन शॉट। यस सर। सर ले लिया। सर ले लिया। और बीच में जो वो क्या है जो आपने लिखा है? हाँ ये तो लिखना है बेटा, स्क्रीनशॉट में आया ही होगा ना, वो तो बीच में बड़ा गोला दिख रहा है, ये क्या है? ये बड़ा गोला सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। सर किसी के माइक से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ इन शायद नील, नील माइक को म्यूट रखो, बुड़ 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 की आवाज बहुत सारी आ रही है। सर मेरी म्यूटी है। अब सही है। हाँ चलो समझ में आया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे कि मेरे पास में सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा था क्या होता है? 2-8-1 होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। के एल एम, इसमें सबसे लास्ट वाली शेल कौन सी होगी? आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से सबसे दूर वाली शेल कौन सी होगी? वैलेंस शेल। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसको बोला जाता है वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है?
वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? 281 हाँ सर। तो ऐसे जैसे ऑक्सीजन का हो गया तो ऑक्सीजन का क्या हो गया 26, तो उसकी वैलेंस शेल कौन सी हो गई? के एल हो गई, एल शेल हो गई, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? यस सर, यस सर। छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ लो इसमें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर वैलेंस वाला टॉपिक फिनिश है? वैलेंसी वाला वैलेंस, यस वैलेंस वाला फिनिश। एक एक डेफिनेशन ये नोट्स में लिखा हुआ है, इसके डेफिनेशन ही बतानी थी बस सर। हाँ तो सर इसका कोई नोट्स है? जरूरी है, नोट्स इसमें लिखा हुआ है। लास्ट शेल होता है वही वैलेंस शेल होता है। हाँ वही होता है, उसी को बोलते हैं। अब नील का नेम है तो नील को ही बोलेंगे ना, किसी और को बोलेंगे क्या? नो सर। हाँ देखो ये लिखा हुआ नोट्स में, नोट्स में लिखा हुआ है वैलेंस शेल के बारे में, ऑलरेडी लिखवा दिया मैंने। यस यस सर। लिख रहा है सर? फिलहाल अवेलेबल है, पूरा वाइट कलर का है। स्क्रीन है सर? क्या सर? अभी वाइट सर, सिर्फ वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है एकदम। ओहो, आप दिखाई दे रही है? यस सर। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने नोट्स में लिखवा दिया है, ठीक है? एक एक लाइन की तो डेफिनेशन है। यस सर। यस सर। अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज तुम्हारे पास लिखने का काम बहुत ज्यादा होने वाला है। सर लिखने का इतना ज्यादा सर एक दिन में ना तो पड़ेगा। हाँ सर लिख लेंगे। अब एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट मतलब ऑक्ट मतलब कितना होता है? एट। कितना होता है? एट। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या हो गया? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल वैलेंस शेल मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए तो क्या होगा? हमारा वो सब्सटेंस एलिमेंट या फिर एटम स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा वो? स्टेबल स्टेबल नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे कि जस्ट ए मिनट, पहले मेरी बात सुन लो। जैसे कि सोडियम का एग्जांपल देता हूं मैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखा था 281, यस और नो? 281। में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इस सोडियम के पास में प्रोटॉन तो 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। 11। सब चीजें 11 11 ही है ना? हाँ। तो अब मेरे को बात बताओ भैया, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सोडियम की जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या सोडियम स्टेबल रहेगा? नो सर। नो सर, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास में क्या है? या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, इजी क्या रहेगा? सर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे देना सर। मेरी बात सुनो, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जैसे किसी को दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो वैलेंस शेल कौन सी हो गई इसकी? 8 हो गई। 8 तो चाहिए अपने को, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस यही तो चाहिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इजी क्या है? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन दे देना या 7 इलेक्ट्रॉन किसको दे देना? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को मैं किसको देगा बता दूंगा, किसको देगा वो 8 क्लास में पढ़ोगे किसको देगा। तो ये क्या किया इसने, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी को दे दिया। अब दे दिया तो मेरी बात सुनो, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया सर? आपने जो बोला 1 इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे वो नहीं समझ आया। क्यों देंगे इलेक्ट्रॉन, ये समझ में नहीं आया? नो सर। ऑक्टेट रूल क्या कहता है मेरा, पढ़ो। कि वैलेंस शेल
वैलेंस शेल ए 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए। इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 1 तो इसको भी कितना बनाना है 1 को? 8 तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लो या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वैलेंस शेल कौन सी हो गई? KLM में से कौन सी हो गई अब? L हो गई। L हो गई। L में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए? यस सर। यस सर। क्या इजी है, 7 किसी से लेना या 8 1 किसी को देना? क्या इजी है? 1 किसी को देना भैया। अब सर लेकिन अगर हम 1 जैसे L शेल को दे दिया तो फिर L शेल की तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, पर L शेल को थोड़ी देना है, किसी और को देना है। मैंने L शेल को देने की थोड़ी बोला, मैंने बोला किसी और को दे दिया। ओके सर। अब किसी और को इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो प्रोटॉन किसी को दिया क्या इसने? सोडियम ने प्रोटॉन किसी को दिया क्या बताओ? नो सर। नहीं, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब इसके पास? 11 क्यों? एक तो दे दिया ना, 11 तो पहले थे। दे दिया सर, 10 हो गए। समझ में आया? तो भैया इस इन दोनों को मिला के 11 पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज 10 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना? प्लस 1 आएगा नहीं आएगा? प्लस 1। तो सोडियम पे प्लस 1 चार्ज आ जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। आया समझ में? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लोरीन, जिससे पूछो वही आंसर। मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि आपने पहले बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। अलग है, इसमें अलग है, इनमें अलग हो सकते हैं, जब चार्ज आ जाता है तो अलग हो सकते हैं। लक्ष्य प्रजापति बोलिए, क्या डाउट है? सर मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, अच्छा तो मुझे ये बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लक्ष्य लक्ष्य क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लक्ष्य सर मैं बताऊं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर शायद बताऊं, शायद से 17 पता नहीं है तुमको? 17 तो प्रोटॉन भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। लक्ष्य यस सर Cl, ठीक है, क्लोरीन का सिंबल लक्ष्य। अब मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा क्लोरीन का? सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर K shell 2, हाँ सर M shell 8, के बाद L आता है उसमें 8, हाँ सर L shell 8, हाँ और सर इसमें M shell में 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। सर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे सर प्लस 1 कर लेंगे, जिससे सर प्लस 1, जिससे पूछो वो लक्ष्य। यस सर। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्या ज्यादा सही है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ले लेना या 7 किसी को दे देना, क्या ज्यादा इजी है? सर ले लेना। 7 ले लेना। 7 क्यों चाहिए, इसको चाहिए कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? लक्ष्य 8। इसके पास कितने हैं? 7 चाहिए कितना इसको, 1 चाहिए या 7 किसी को देना, क्या इजी? देना। 7 देना सही है, 1 लेना सही है, जिससे पूछो वो सर 1 लेना सही है। 1 लेना ज्यादा सही है ना बेटा, 7 किसी को देने से अच्छा। तो यस सर। तो अब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। प्रोटॉन तो 17 ही है, किसी को दिया नहीं लिया नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर? 18 हो जाएगा। भैया प्लस 17 और माइनस 18 चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? माइनस वन। क्या हो गया? -1 हो गया। समझ में आया? हाँ सर अब आ गया। अब आ गया।
तो भैया ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं. व्हाट इज आयन? आयन इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम. आयन इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन्स ए चार्ज. विच कंटेन्स चार्ज ए चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम. आयन. ठीक है, आयन बोलते हैं. तो ये क्या है? क्लोरीन आयन है और ये क्या है? सोडियम आयन है. एटम नहीं है ये. समझ में आई बात? यस सर. सर एक सेकंड, मुझे डाउट है इस पेज पे. हाँ पूछो. सर पीछे वाला पेज. हाँ सर. सर इसमें अभी क्लोरीन का जो के एम शेल जो है उनमें 7 है, तो हमने प्लस 1 करके 8 कर लिया. बाय चांस अगर वहाँ पे 4 होता तो हम ले लेते या दे देते? दे भी सकता है, ले भी सकता है. जैसे कार्बन. तो सर हमें क्या करना चाहिए? वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. आपको उसमें प्लस 4 ही करना है. ठीक है. तो अब आयन भी दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स. फर्स्ट होता है, ये किसका माइक है, कैट आयन. फर्स्ट कौन सा होता है? कैट आयन का मतलब क्या होता है? ऐसा आयन, आयन विच इज, आयन विच इज पॉजिटिवली चार्ज. कैसा चार्ज होता है कैट आयन पे? पॉजिटिवली चार्ज. और दूसरा होता है एन आयन. क्या होता है? जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है. समझ में आया? पूछना है. पूछो. सर आयन में न्यूट्रल चार्ज होता है क्या? न्यूट्रॉन में तो किसी में चार्ज नहीं होता, आयन हो या एटम हो. ठीक है. यस सर. आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. पहले इसका हेडिंग क्या है? आयन. आयन का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट. सर ले लिया. ले लिया. अब इस पेज सर हमें लिखना भी है. ना ये भी लिखना ही है, ऑब्वियसली बात है. सर इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन चेंज कैसे हुआ वो खाली मुझे नहीं पता था. किसमें? प्रोटॉन तो सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ ना बेटा. प्रोटॉन तो सेम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के चेंजिंग की वजह से. हाँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग की वजह से. ठीक है. ये स्लाइड का दिया. ओके सर. यस सर. यस सर. फिर इसका स्क्रीनशॉट लो. सर ले लिया इसका भी. सर ले लिया. ले लिया. अगर आयन सर आयंस के नोट्स में अभी जो हमने स्क्रीनशॉट लिया वो लिखना है. हाँ, आयंस के नोट्स में जो स्क्रीनशॉट लिया वो लिखना है और आगे कुछ स्क्रीनशॉट्स और मैं दे रहा हूँ वो भी लिखने हैं. अब ये आयंस बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा. ये आयंस इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको आयंस आते होंगे तो आपको क्या होगा, सारे के सारे फॉर्मूला बन जाएंगे. आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? अभी स्क्रीनशॉट किसका लेना है? इन आयंस का लेना है. ठीक है. ये आयंस आपको नेक्स्ट क्लास तक लर्न होने चाहिए. समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर. मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, लर्न करने हैं. इसमें पूरा प्रॉपर ये पूरा प्रॉपर लर्न होना चाहिए आपको कि जैसे हाइड्रोजन H+, सोडियम Na+, प्लस मतलब 1 चार्ज, बाइकार्बोनेट HCO3- वन, इस तरह से पूरा पता होना चाहिए. बाइसल्फेट HSO4-1, इसके अंदर 3 और ऐड करने हैं आपको, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ से ब्लैक अलग इंक से. उसके बाद ही स्क्रीनशॉट लेना. यहाँ लिख रहा हूँ मैं ब्रोमाइड. ब्रोमाइड होता है Br-. आयोडाइड वो होता है I-. और एक फ्लोराइड वो होता है F-. ये तीनों लिखने इसमें. ठीक है. सर चार्ज. चार्ज माइनस वन. माइनस लिखा मतलब माइनस वन, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो चार्ज क्या है? वन है यहाँ पर. ठीक है. ओके. चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. नेक्स्ट क्लास तक ये आयंस लर्न हो जाने चाहिए बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं.
फिर से बता रहा हूँ एक बार, पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो। सर मुझे डाउट है, आपने जो ये तीन नाम लिखा है वो तीनों माइनस में ही है ना? हाँ तीनों माइनस में ही है। हाँ डाउट किसको पूछो, जिसको भी डाउट है पूछो, फटाक से पूछो। सर आपने वो आयन की डेफिनेशन लिखी थी वो स्लाइड बताओ ना। बता रहा हूँ, देरी है, पहले बोला, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में ले लेना वो। हाँ इसमें किसी को पूछो। सर मुझे एक डाउट है कि जैसे एमोनियम में NH प्लस और नीचे 4 लिखा है, तो वो एमोनियम की क्वांटिटी है? नहीं, ये हाइड्रोजन के 4 एटम है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 एटम है। ठीक है, तो आपको पूरा याद होना चाहिए ऐसे NH 4 प्लस, पूरा पता होना चाहिए NH 4 और उसका चार्ज प्लस 1, इस तरह से पूरा लर्न होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ NH प्लस 1 लर्न कर लिया या सिर्फ NH 4 लर्न कर लिया। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? चलो चलो, ये प्लस 2 चार्ज वाले ये भी लर्न करने सब। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल देता हूँ एक। हो गया सर, इनमें तो कुछ ऐड नहीं है ना? हो गया नहीं, इनमें कुछ ऐड सर, इसमें कोई ऐड करना है? और क्रोमेट का वो सब कैसे लर्न करना? क्या प्रोनाउंस कैसे करना है? Cr2O2 minus 7 2 minus Cr2O7 2 minus। ठीक है, हाँ यस हो गया। यस सर, सबका हो गया? यस सर। इसको भी लिख लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का मतलब। सर ले लिया सर, ये सब लर्न करना है कल, कुछ लर्न करना है नेक्स्ट लेक्चर तक। ठीक है, हाँ ओके सर। ये आयंस का जिसको प्रॉब्लम थी वो वाला पेज किसको चाहिए था? आयंस का सर, सर यस सर, आयंस का ये सब लिखने के बाद जो आयंस नहीं कर पाऊंगा थोड़े से। क्यों सर? क्योंकि सर नेक्स्ट वीक मेरा टेस्ट है स्कूल का, इसलिए। ओके सर, हमें पहले ये आयंस का टाइप और डेफिनेशन लिखने के बाद जो स्क्रीनशॉट लिया उसको लिख कर लर्न करना है। यस ग्रुप में भी डाल देता हूँ, वो बेटा है सर, ये तो बुक में भी है, पेज नंबर 9 एंड 10 में भी है, बुक पे भी है। ठीक है, हाँ बुक में भी है। हो गया? यस सर। यस सर। तो आयन समझ में आया? यस सर। आयन का काम क्या है? आयन फॉर्मूला बनाने के काम में आता है। डायरी है, स्क्रीनशॉट ले लिया? डायरी है, डायरी है, कहाँ गया डायरी है? सर इसके पहले की डेफिनेशन वाली स्लाइड है आयंस की। चलो हो गया इतना? यस सर। यस सर। अब आयंस, आयंस के बाद में इस चैप्टर का बस एक ही टॉपिक बाकी रहता है, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आयंस से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो चीज सीखेंगे, उसके बाद में हम करेंगे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। ठीक है, और फिर चैप्टर डन 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 डन, फिर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट ठीक है, इजी सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। वैसे तुम्हारा इस क्लास का सिलेबस बहुत छोटा है, 7th क्लास का है, नन्ना मुन्ना सा सिलेबस है। हाँ सर, 5 चैप्टर ही है। 5 चैप्टर ही है, बायो का बड़ा सिलेबस है ना? यस सर। स्क्रीन शेयर बंद कर दूं? यस सर। यस सर। यस सर।
चलो तो मजा आया क्लास में? यस सर। यस सर। नींद तो नहीं आई? नींद तो नहीं आई?